बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है इस टाइम। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, छत पे हूँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है तो परिंदों के लिए कितना मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस टाइम जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की जो लहर आई हुई है पूरे पाकिस्तान में, जो गर्म इलाके खास करके, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। जैसे कि मैं भी अभी सुबह सुबह आया हूँ इनको खोलने, इनको देखने। आप भी सुबह टाइम से, जब सूरज भी इतना नहीं होता, हीट अप नहीं हुआ होता, अपने परिंदों का ख्याल रखें, उनका पानी का ख्याल रखें। अभी आया हूँ छत पे, अभी आप देख रहे होंगे कि इनके आगे वक्ती मैंने कपड़े लगाए हैं, क्योंकि आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैं इन सब को यहाँ से शिफ्ट करने लगा हूँ। तो वो भी अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इनको मैं किस जगह शिफ्ट करने लगा हूँ। अभी चलते हैं और खोलते हैं अपने परिंदों को। अभी अपने इन चूज़ों मुर्गी को खोला, ये देखें कि सूरज बिल्कुल वो सामने है और जो सारी उसकी रोशनी है वो अंदर पिंजरों तक जाती है। इस वजह से अभी मैं चाहता तो मैं जो ग्रीन तरपाल हमारे नेबर ने लगाया है वो भी लगा सकता था, पर उसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो फिर जब मैं वापस आऊँगा इनको लेके वापस अपने इस सेटअप पे, तो तकरीबन उस टाइम वापस ठंड स्टार्ट हो चुकी होती है, तो इतनी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए वक्ती जुगाड़ लगाए, इनको आगे कपड़े रख दिए, ताकि इनको जो सुबह सुबह की रोशनी है वो इनको ना पड़े। फिर इनको जब मैं दिन को जब सूरज थोड़ा पीछे जाता है तो इस उनके आगे से मैं ये हटा देता हूँ, ताकि इनको हवा लगती रहे। अभी ये अपना दाना पानी कर रहे हैं, पानी में भी मैंने कैल्शियम वाली दवाई मिक्स की है और इनका मैंने दाना भी चेंज कर दिया। अब इनको, पहले मैं मिक्स दाना देता था, अब मकई पे इनको लगाया हुआ है, क्योंकि मकई ठंडी होती है तो इसे थोड़ा ठीक रहेंगे। तो अभी ये मकई खाते हैं। जब तक इस कमरे की वजह से, क्योंकि सूरज अभी इसके पीछे है, तो इस कमरे की वजह से मुझे यहाँ पे छांव मिल जाती है, जिसकी वजह से इनको मैं सुबह सुबह आके खोल सकता हूँ। अगर ये कमरा भी हमारा ना होता तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता, फिर मुझे इनके लिए और इंतज़ाम करने पड़ते। पर अभी इस कमरे का थोड़ा फ़ायदा है, इससे छांव आ जाती है। ये तकरीबन 10-11 बजे तक यहाँ पर छांव रहती है, तब तक मैं अपने सारे परिंदे जो है उनको खोल कर दाना पानी जो है ईजीली कर लेता हूँ। तो जब तक ये अपना दाना पानी करते चलते हैं ऊपर रैबिट्स के पास, उन्हें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उनके लिए भी वक्त ही जुगाड़ गया और उनके पास ठंडी जगह है। तो चलते हैं ऊपर, उनको उनका साग भी डालते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो ये भाग के मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ में खाना देख लिया अपना। इनके लिए जगह तो मैंने वो बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर ये ठंडी जगह थी, मिट्टी वगैरह डाली हुई थी कि वहाँ पर ये ईज़िली रहेंगे, पर इन्हें वो जगह भी पसंद नहीं है, क्योंकि पूरा दिन उधर सूरज लगता रहता है और वो जगह काफ़ी हीट अप हो जाती है। इस वजह से इन्होंने अपने लिए ये जगह पसंद की है, दोनों टंकियों के दरमियान में। एक तो ये जगह ठंडी रहती है और यहाँ पे शाम तक सूरज इतना नहीं आता, फिर भी ऊपर मैंने इनको लिए वक्ती कपड़ा लगा दिया, ताकि जो हल्की फुल्की सूरज की शुआएँ पड़ती थी वो भी ना पड़े। तो अभी ये चारों के चारों मेरे पास आ गए, इनको यहाँ पर इनका खाना डालते हैं, ताकि ये खुशी खुशी खाएँ जाके। माशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक है, पर इनको जिस जगह मैं शिफ्ट करूँगा वहाँ पे मुझे इनके लिए थोड़ी सी टेंशन है कि ये वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि वो मिट्टी वाला इलाका है। तो देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लिए में देखते हैं इनको जाके वहाँ पे कैसा फील आती है, और ये फिर वहाँ पे बच्चे देते हैं कि नहीं। अभी तक इन्होंने बच्चे नहीं दिए। जब तक ये अपना खाना खाते मैं इनके लिए पानी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इनका मैं अब डेली पानी चेंज करता हूँ, ताकि ये किसी किस्म की बीमारी में मुबतला ना हो, क्योंकि गर्मी भी है, मौसम चेंज होता रहता है। तो पानी में भी थोड़ी सी दवाई डाल के मैं इनका चेंज कर देता हूँ, ताकि ये बिल्कुल हेल्दी रहे और ठीक रहे। इनके लिए मोटर लगा के अभी ठंडा और ताज़ा पानी भर दिया, अभी इनका पूरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। अभी चलते हैं इनको इनके हाल पे छोड़ते हैं और नीचे चल के अपने दूसरे परिंदे खोलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इस मुर्गी के साथ 4-5 बच्चे थे, अभी सिर्फ 2 रह गए हैं। इनकी वजह यह है कि एक और है, वो अभी पिंजरे में बंद है, वो भी खोलूंगा। अभी इस मुर्गी के साथ, मुर्गी के साथ तो नहीं है, 2 मुर्गी के साथ है, एक अलग है, टोटल 3 बच्चे रह गए अभी इसके। बाकी 4 जो थे वो बहुत आपस में लड़ते थे, उन्होंने खून खराबा स्टार्ट किया था हर दूसरे दिन। इनमें से कोई एक अदा जख्मी होता था, या वो जो 4 थे उनमें से कोई ना कोई जख्मी होता था। इस वजह से फिर वो 4 मैंने एक अपने दोस्त के पास रखवा दिए, मैंने कहा चलो तुम इनकी देखभाल करो, तो जैसे ही जब बड़े होंगे अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं उससे वापस ले लूँगा, नहीं तो उसी के पास रहेंगे। अभी बस ये 2 रह गए और इनके साथ एक और बच्चा जो अभी बाद में खोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी इनको संभालना,
तो इस वजह से, क्योंकि इस मुर्गी के साथ भी बच्चे हैं। एक और काला चूज़ा था, उसको भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो उस दूसरी मुर्गी का बच्चा था वो भी मैं आप दिखाता हूँ, उसकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। तो बाकी जब तक ये दाना खाते हम चलते हैं उसके पास। उस ब्लैक वाले चूज़े को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया था, अभी उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, वही मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है। तो बाकी हमारे ये पैरट्स जितने भी हैं माशाल्लाह सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। इनका भी पानी टाइम पे चेंज कर देता हूँ ताकि इनको भी किसी किस्म की गर्मी ना लगे। इधर एक विंडो है वो भी खुली हुई है, और ये दरवाज़ा भी हर टाइम खुला रहता है, हवा क्रॉस होती रहती है और इनको ठंडा फील होता रहता है। अभी आपको बताते हैं चूज़े के बारे में। ये वो बेचारा ब्लैक चूज़ा है जो पहले मुर्गी खुली थी उसके साथ का। इस मुर्गी को जो अभी मुर्गी खुली है दो चूज़ों वाली, उस मुर्गी ने इसको मारा तो इस बेचारे की टांग टूट गई है, जिसकी वजह से फिर इसको मैंने हल्दी वगैरह लगा के पट्टी कर दी थी ताकि इसकी टांग जो है अलग करे कि वो वापस जुड़ जाए अपनी जगह पे आ जाए और ये भी बिल्कुल एक्टिव हो जाए, सेहतमंद हो जाए। तो अभी इसको इस तरह रखा हुआ है, बाकी माशाल्लाह एक्टिव है, बस इसके जो लात की प्रॉब्लम हो गई है, बाकी दाना पानी इसका भी पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिन तक इसको पट्टी सी खोल के चेक करेंगे, अगर ये बिल्कुल ठीक हुआ तो फिर इसको आज़ाद रखेंगे बाकी चूज़ों के साथ, नहीं तो ये इसी तरह अलग रहेगा और इसको अलग देखभाल में करूँगा। अब इन तीनों को खोला हुआ, इन तीनों की आपस में दोस्ती है, ये एक दूसरे को कुछ नहीं कहता। मुर्गा थोड़ा ब्लैक वाला मस्ती करता है पर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्हें खोला हुआ, जब तक ये अपना दाना पानी करते तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इनको किस जगह शिफ्ट करने लगाऊँ। इन सबको मैं हर साल की तरह अपने गाँव मरी में शिफ्ट करने लगाऊँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा टम्परेचर है, क्योंकि पहाड़ों की वजह से सब्ज़े की वजह से वहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। इन सबको मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा, और जैसे ही वहाँ पे गर्मी मतलब सर्दी स्टार्ट होगी यहाँ पे गर्मी कम हो जाएगी तो इनको लेके मैं वापस आ जाऊँगा, जो हर साल मैं ये काम करता हूँ। एक बात और है कि मैं हर साल कुछ ना कोई नुकसान उठाता हूँ, मैं लास्ट जो दो साल हैं उन दोनों सालों में मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ से गर्म इलाके से मैं लेके जाता हूँ, जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ उन्हें ठंड लगती है या माहौल थोड़ा सा उधर का चेंज होता है तो वो रस्ते में ही बीमार हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जाके वापस वो रिकवर नहीं कर सकते, एक्सपायर हो जाते हैं या उनको मैं ज़िबा कर देता हूँ। अभी भी आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि इस तरह का कोई नुकसान ना हो, ताकि ये सारे जो हैं वो एहतियात से वहाँ पे पहुँच जाएँ, वहाँ पे ये जितना अरसा हम रहेंगे वहाँ पे हमारे साथ ये रहें, हमारा सेटअप जो वहाँ का है वो भी भरा भरा रहे और ये भी बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल ठीक रहे इनको, ताकि हम वापस सर्दियों में यहाँ पर ले कर आएँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ अपना पुराना फ़ोन चेक करता हूँ अगर उसमें उन परिंदों की तस्वीरें हुई, क्योंकि असली थे सारे, क्योंकि मैं असील का बहुत शौक़ रखता हूँ, तो दो साल से तीन साल से मैंने टोटल रखे हुए हैं, तीसरा साल अभी है और पिछले जो दो साल हैं उस टाइम मेरे पास असील ही थे। तो अभी मैं चलता हूँ देखता हूँ अगर मेरे पास पुराना डाटा पड़ा हुआ उन सब की तस्वीरें हुई चूज़ों की मुर्गे मुर्गियों की, तो वो भी मैं मेंशन कर दूँगा अपनी वीडियो में। तो आप लोगों ने देखना है कि इससे पहले भी काफ़ी मैं नुकसान उठा चुका हूँ इन चीज़ों का, तो अभी आप सब ने दुआ करनी है कि ये खैर खैरियत से वहाँ पर पहुँच जाएँ और जब हम वापस आएँ तो हमारे साथ वापस यहाँ पर आएँ। अभी मुझे चंद ही तस्वीरें मिली थी अपने, कुछ चूज़ों की मिली है और कुछ मुर्गे मुर्गियों की मिली है, वो मैंने अपनी वीडियो के साथ अभी लगा दूंगा, वो भी आपने देखना है कि काफ़ी अच्छे अच्छे परिंदे थे जो एक्सपायर हो गए थे, जो मुझे नुकसान हुआ था, तो अभी वो होते या उनके आगे से बच्चे होते तो बड़ा ही अच्छा होता, क्योंकि अभी ये मुझे बल्कि ये पिंजरे उनके लिए बहुत कम पड़े थे, मुझे और पिंजरे बनाने पड़ते। तो पर इंशाल्लाह अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, इस साल भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि खैर खैरियत से इनको लेके जाएं, तो फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। तो जिस दिन हम जाएंगे उस दिन का भी मैं व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी इन्हें बंद करते हैं और खोलते हैं अपने दूसरे मुर्गियों को। इस चूज़े की मैं बात कर रहा था, इसको सारे मारे थे, इसका सर सारा ज़ख्मी कर दिया था, तो इसको अलग किया हुआ था, तो इस वजह से इसको मैं अब अलग ही खोलता हूँ, क्योंकि इसको अब मुर्गी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो भी जब मुर्गी के पास जाता है अपनी माँ के पास वो भी इसे मारती है और उसके बहन भाई भी इसे मार रहे हैं, इसलिए इसको मैंने अलग रखा हुआ है और अलग खोलता बंद करता हूँ। माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। अब इन सबको खोला हुआ है, इनको मैं कैल्शियम वाला पानी भी पिलाता हूँ ताकि ये एक दूसरे के बाल पर ना नोचें। तो ये सब ने एक दूसरे के पर खाए हुए मुर्गे बेचारे की क्या हालत कर दी, और ये सब मुर्गियां आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनके पर जो है वो ख़त्म हुए हुए हैं। तो
तो इंशाल्लाह जब ये मरी पहुंचेंगे ठंडे इलाके में मट्टी में खेलेंगे तो इनके पर भी वापस आ जाएंगे और इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। अभी गर्मी की वजह से थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर मुझे नज़र आती हैं, पर इनकी खुराक वगैरह भी ठीक है इंशाल्लाह कि जब ये मरी पहुंचेंगे वहाँ, जब ये हफ्ते 10 दिन बाद जब अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फिट हो जाएंगे। इन सब देसी मुर्गियों का भी खाना पानी हो गया, आधे ये खड़े आधे यहाँ पे हैं। अभी इनको भी बंद करते हैं फिर, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी देखें यहाँ तक छाँव है, फिर अभी गर्मी होती जाएगी, सूरज मिड में आ जाएगा। तो अभी इन सबको बंद करते हैं और आज को व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करिएगा और मेरे चैनल देसी वाइब्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।